पहली बार तो कई सारी बातें उन्होंने कही, तो आज यहाँ देखना होगा कि यूपी में जबकि चुनाव भी होने हैं तो किस तरह से यहाँ मंच से बातें निकलती, और खासतौर पर जबकि राज्य के सत्तारूढ़ दल और प्रमुख विपक्षी दल प्रधानमंत्री के इस फैसले को लेकर विरोध जता रहे हैं, इसे जनता के खिलाफ लिया गया फैसला बता रहे हैं, तो यहाँ जनता के बीच अपनी बात कैसे रखते हैं, कैसे अपने फैसले के बारे में लोगों को बताते हैं और कैसे उन पर निशाना साध रहे लोगों को जवाब देते हैं, ये देखना होगा। तो तमाम मंत्री लोग मौजूद हैं यहाँ पर मंच में इस वक्त, तस्वीरें जो गाजीपुर से आपके सामने नजर आ रही हैं। तो इससे पहले जब गोवा से प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने देश के लिए घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, और अगर कोई मुझे जिंदा भी जला दे तो भी मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे देश की जनता बस 50 दिन दे, उसके बाद आप लोगों के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से काला धन है, जिस तरह से भ्रष्ट लोग हैं, उनके लिए इस तरह का कदम उठाना बेहद जरूरी है। तो गोवा में तमाम बातें कही और अब आरटीआई मैदान गाजीपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। तो जानना होगा, इंतजार करना होगा कि क्या कुछ यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं, जबकि बहुत सारे मसले, खासतौर पर जो देश की जनता है वो परेशान है नोटबंदी को लेकर, एटीएम और बैंक के बाहर कतारों में खड़ी खड़ी कभी कभी अपना गुस्सा भी दिखा रही है, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि फैसला अच्छा है, समर्थन करते हैं। तो यही बात प्रधानमंत्री ने कही कि जिन लोगों को वाकई में परेशानी हो रही है, देश की जनता जो यहाँ कतार में खड़ी है वो उनके फैसले का समर्थन कर रही है, लेकिन सियासी दल वो उनके फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी से आग्रह करते हैं कि टिकट दे करके स्वागत अभिनंदन करें। इसी क्रम में रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, तो तमाम लोग यूपी के चेहरे यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं मंच से, तो तस्वीर आप देख रहे हैं। तो फिलहाल अभिनंदन का, स्वागत का क्रम चल रहा है मंच पर, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त गाजीपुर से और सीधी तस्वीरें हैं जो हमारे दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री को कि आखिर क्या कुछ आज इस मंच से ऐलान होता है। कल आपने देखा होगा कि भावुक भी हो गए थे प्रधानमंत्री, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते बोलते, काले धन के खिलाफ बोलते बोलते। उन्होंने कहा कि लोग यहाँ पर भले ही कितने मेरे कदम पीछे खींचने की कोशिश करें, लेकिन मुझे जिंदा भी जला दिया जाए तो भी मैं नहीं डरता हूँ, मैं देश के लिए यहाँ पर अपने परिवार को छोड़ चुका हूँ, अपने घर को छोड़ चुका हूँ। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे देश की जनता ने जो काला धन के लेकर जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं, और उन्होंने देश की जनता से इसके लिए 50 दिन का वक्त मांगा है। तो बस थोड़ी देर में संबोधन शुरू करेंगे अपना प्रधानमंत्री, तो वो भी आपको बातें हम सुनाएंगे। तो फिलहाल ये मंच से सीधी तस्वीरें हैं, इससे पहले गाजीपुर कोलकाता ट्रेन को रवाना कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, शांत रहो बैठो, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी सम्माननीय श्री ओम माथुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय श्री केशव मौर्य जी, इसी जनपद के लाल, भारत सरकार में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सम्माननीय डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, मुझसे भूल हो गई, भारत सरकार के रेल मंत्री आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी, मिर्जापुर की सांसद, भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री
सम्माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, बलिया के सांसद मेरे सहयोगी श्रीमान भरत सिंह जी, घोसी के सांसद श्रीमान हरिनारायण राजभर जी, जौनपुर के सांसद श्रीमान केपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता सम्माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, पार्टी के महासचिव माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, काशी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी, विधायक श्री उपेन्द्र तिवारी जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय केदारनाथ सिंह जी, श्रीमान विशाल सिंह चंचल जी, भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर के अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी, इस रैली के संचालक सम्माननीय श्री कृष्ण बिहारी राय जी, भारी संख्या में उपस्थित गाजीपुर के बहनों और भाइयों, मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से काशी के सांसद का लहरी काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं। गाजीपुर को लहरी काशी मैंने छोटी काशी कहा जाता है, इसलिए मैंने ये बात जानबूझ करके कही है। आप सब प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं। मित्रों, 55 वर्षों से यहां के लोगों का एक सपना था, कारीघाट गाजीपुर रेलखंड का निर्माण। आज दो सपने सच होने जा रहे हैं। एक सपना है गाजीपुर के नागरिकों का, कारीघाट गाजीपुर में रेलखंड का निर्माण, जिसमें गंगा नदी पर एक बड़ा सेतु बनेगा, नीचे रेल चलेगी, ऊपर आपकी मोटरसाइकिल और कार चलेगी। इसका इंतजाम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भारतवासियों का दूसरा सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का। चुनाव के पहले सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया था, वह सपना भी सच होने जा रहा है। और उस दिशा में जो कदम उठाया है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गाजीपुर के लोग जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष में सबसे ज्यादा बलिदान किया है, देश आजाद हुआ होगा 47 को, 18 अगस्त 1942 को ही अहमदाबाद में यूनियन जैक उतार करके यहां के बलिदानियों ने तिरंगा फहराने का काम किया था। जब पैटर्न का इंतजार था तो उसे भी गाजीपुर के ही बहादुर जवान ने अपने सीने पर रोक करके पैटर्न टैंक को ध्वस्त करने का काम किया था। ऐसे वीरों की भूमि पर, तपस्वियों की भूमि पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से संसद में मुझे जाने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी ने मुझे मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी, लेकिन मैं ईमानदारी से बात आपके बीच कहना चाहता हूं कि आज जितनी खुशी मुझे है, शायद इतनी खुशी मुझे जीवन में कभी नहीं हुई। लंबे समय तक गाजीपुर के लोगों ने इस रेलखंड के लिए आंदोलन किया, हमारी दो पीढ़ियां इसको लेकर के संघर्ष करती रही, पुरानी सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने आग्रह किया था सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से, ये पूर्वांचल की अपेक्षा है, आकांक्षा है, इससे केवल गाजीपुर के विकास का द्वार नहीं खुलेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का द्वार खुलेगा। सहर्ष प्रधानमंत्री जी ने उसे स्वीकृति प्रदान की। 2015-16 के रेल बजट में सम्माननीय रेल मंत्री श्रीमान सुरेश प्रभाकर प्रभु जी ने संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए कारीघाट गाजीपुर मऊ नई रेल लाइन के निर्माण की घोषणा की थी। 3 जून 2016 को मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने इसकी स्वीकृति प्रदान की और 11 नवंबर को टेंडर अवार्ड कर दिया गया और आज काम प्रधानमंत्री जी ने शुरू कर दिया। मित्रों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, गंगा नदी पर जितने भी बड़े सेतु बने हैं न्यूनतम 10 वर्ष में बने हैं और यह सेतु 3.5 वर्ष में बना करके गाजीपुर की जनता को समर्पित करने का काम हम करेंगे। इस तरह हमारी सरकार काम करती है। अनेक योजनाएं हैं, मेरे पास समय नहीं है, आप सब प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं समय जाया भी नहीं करूंगा।
लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, गाजीपुर के लोग गरीब जरूर हैं, शांति शांति शांति, लेकिन जो हमारे लिए कुछ करता है उसके लिए हम खून बहाने तक तैयार रहते हैं। तो मेरा आग्रह है कि दो मिनट ताली बजा करके प्रधानमंत्री जी का चारों तरफ से लगना चाहिए कि गाजीपुर में